बरमसिया स्थित साईं सेवा आश्रम में रविवार को सदर अस्पताल के सौजन्य से कोरोना टीकाकरण का तीसरा शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान 95 लोगों को कोवैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया। बताया गया कि 25 मार्च को आयोजित पहले कैंप में जिन लोगों को कोवैक्सीन का पहला डोज दिया गया था, उन्हें दूसरा डोज देने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया। इस बाबत बताया गया कि साई सेवा आश्रम जन कल्याणकारी और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। इसी कड़ी में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया है। बताया गया कि अब तक आयोजित तीनों शिविर के सफल आयोजन में सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल, उनकी पूरी टीम और साई सेवा आश्रम के तमाम सेवादारों की सक्रिय भूमिका रही है। इस बाबत आश्रम के संस्थापक चंद्रकिरण रेड्डी ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया है। इन्होंने कहा कि आश्रम आगे भी कोरोना टीकाकरण के राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में स्वास्थ्य महकमा और जिला प्रशासन को सतत सहयोग करेगा। जानकारी दी गई कि आगामी 2 मई को साई सेवा आश्रम में चौथा टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। आज साई सेवा आश्रम ग्रीडी में तीसरा कोरोना का टीकाकरण का शिविर लगाया गया सदर अस्पताल ग्रीडी की ओर से, जो निःशुल्क है। आज का यह विशेष शिविर उन लोगों के लिए लगाया गया था जिन लोगों को 25 मार्च 2021 को साई सेवा आश्रम के शिविर में कोवैक्सीन का पहला टीका लगा था। आज बहुत सारे लोगों ने आकर के अपना पहला दूसरा डोज दे दिया कोवैक्सीन का। इसके अलावा साई सेवा आश्रम ग्रीडी में आगामी 2 मई को सदर अस्पताल ग्रीडी के द्वारा निःशुल्क टीकाकरण का शिविर लगाया जाएगा, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले सभी लोगों का पहला टीका दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि साई सेवा आश्रम में यह तीसरा शिविर लगाया गया था और अब तक 468 खुराक दवाई टीका लोगों को साई सेवा आश्रम के प्रयास से दिया गया है। इस शिविरों को सफलतापूर्वक आयोजन में तमाम सेवादारों ने जो भूमिका निभाई है वह सराहनीय रही है, और हम आशा रखते हैं कि जो कोरोना के लड़ाई में जो टीकाकरण का जो राष्ट्रीय अभियान चल रहा है, इस लड़ाई में हम साई सेवा आश्रम की ओर से जो भी सहयोग बन पड़ेगा हम लोग करने को तैयार हैं। ओम साई राम।